हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस अपॉन टू एंड पी इज इक्वल टू डब्ल्यू रेस्ट टू फॉर एन एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड ऑन फर्दर एच वन इज इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन अपॉइंट टू एंड एच टू इज इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन माइनस वन टू वेर सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड वन बिलोंग टू पी इंटरसेक्शन एच वन जेड टू बिलोंग टू पी इंटरसेक्शन एच टू एंड ओ रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन देन एंगल जेड वन ओ जेड टू इज इक्वल टू तो यहाँ पे हमें एंगल जेड वन ओ जेड टू बताना क्या होगा स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि हमारे पास में अगर ऐसे लिखा हुआ ई रेस टू आयोटा थीटा तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको ठीक बात है तो अब ध्यान से देखो हमारे पास जो डब्ल्यू का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है डब्ल्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है रूट थ्री प्लस में आयोटा अपॉइंट टू तो यहाँ पे हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं इसको रूट थ्री अपॉइंट टू लिख लिया प्लस में वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई में आयोटा लिख लिया अब रूट थ्री अपॉइंट टू को फर्दर हम लिख सकते हैं कॉस फाई अपॉइन में सिक्स प्लस में आयोटा और यहां पे वन एफ टू को लिख सकते हैं साइन पाई अपंट सिक्स तो ऐसा करने से क्या होगा क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आ गया ये तो इसको भी ई टू पावर समथिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ई टू पावर आयोटा पाइव बाई सिक्स में एक्सप्रेस हो गया ठीक है तो अब अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू टू तो पावर एन की जो कि इवेंचुअली किसका वैल्यू है पी का वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्टू पॉवर ई टू पावर हमारे पास आयोटा एन पाइव बाई सिक्स ये बन गया जहां पे एन का जो वैल्यू है वो वन टू थ्री एंड सोन ऐसे आगे चल रहा है ठीक है अब एच वन जो है एच वन किस तरीके से है कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से और रियल पार्ट ऑफ जेड जो है रियल पार्ट ऑफ इट इज ग्रेटर देन एच टू किस तरीके से है कि जेड बिलोंग कर रहा है सी से और इस केस में जो रियल पार्ट ऑफ जेड है रियल पार्ट ऑफ जेड ये लेस देन है माइनस वन पॉइंट टू से ठीक है और हमें बताया हुआ है सी सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 जो है वो क्या है P इंटरसेक्शन H1 Z2 जो है वो क्या है P इंटरसेक्शन एच टू ओ रिप्रेजेंट लेते हैं ये एक सर्किल के फॉर्म में आएगा मान लेते हैं ये हमारा देखो इस तरीके से सर्किल है ठीक है ये मान लो हमारे पास में ओरिजिन है ओ ठीक बात है यहां पर एक लाइन आ रही होगी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू मान लो इस तरीके से लाइन है एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू यहां पर एक दूसरी लाइन आ रही होगी जो कि है x इज इक्वल टू माइनस का वन बाय टू ठीक बात है तो अब देखो अब हम बना लेते हैं यहां पे मान लो ये हमारे पास में क्या है डायमीटर है इस तरीके का इसके लिए ये जो पॉइंट है इसको हम बोल लेते हैं ए टू पॉइंट ये जो पॉइंट है इसको हम बोल लेते हैं बी टू पॉइंट ठीक है अब अगर हम बात करें किसके लिए मान लो यहां पर एक दूसरा पॉइंट आ रहा होगा ये हमारे पास में एक रेडियस है ये मान लो पॉइंट आ रहा है ए वन यहां पर इस तरीके से मान लो यहां पर पॉइंट आ रहा है ए थ्री है ठीक है यहां पर मान लो क्योंकि ओ ओरिजिन है यहां पे मान लो ये बी वन पॉइंट है और ये मान लो हमारे पास में बी थ्री पॉइंट है ठीक बात है तो अब ध्यान से देखो अगर हमें बात करनी है फॉर जेड वन फॉर जेड वन जेड वन के लिए यानी कि एच वन के हिसाब से लिखना है जेड वन ठीक है इसके लिए रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन वन पॉइंट टू हो ठीक है तो रियल पार्ट की बात करेंगे ना यहाँ से तो वो कॉस एन पाई बाई सिक्स के फॉर्म में आएगा क्योंकि ई टू पावर आयोटा एन पाई बाई सिक्स है ना तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस एन पाई बाई सिक्स कॉस एन पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय सिक्स तो रियल रियल पार्ट कितना हो जाएगा कॉस एन पाई बाय सिक्स हो जाएगा ना तो हम बोल सकते हैं फॉर जेड वन कॉस एन पाई बाय सिक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए वन बाई टू तो वन बाय टू से ग्रेटर होना चाहिए यानी कि एक तो हम बोल सकते हैं ये ए वन पे आ सकता है ए टू पर भी आ सकता है और ए थ्री पे भी आ सकता है ठीक है फिर अगर हम बात करें फॉर जेड टू फॉर z2 ये जो रियल पार्ट है cos एन फाइव बाई सिक्स ये लेस देन होना चाहिए इससे माइनस वन बाय टू से तो यहां पे माइनस वन बाई टू से लेस देन के लिए या तो ये b1 पे आ सकता है या b2 पे आ सकता है या b3 पे आ सकता है अब हमें किस पर कमेंट करना है एंगल z1 वन ओ जेड ठीक है तो यहां पे z1 हो सकता है यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है और यहां पे z2 हो सकता है यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है तो z1 वन ओ जेड देखो ये z2 है यहां पे ठीक है तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए में पाई बाय टू दे है, तो पाई बाय टू तो नहीं हो सकता पाई बाय सिक्स भी नहीं हो सकता एंगल के लिए ऑप्शन सी टू पाई बाय थ्री हो सकता है और ऑप्शन डी फाइव पाई बाय सिक्स हो सकता है ठीक है इस तरीके के एंगल आएंगे आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक